एक आखिरी दिन भी कुछ बातें मेरी तलख हो तो पहले से मेरे साथ रियायत करना चाहिए, सब साथियों का जो आज आप मीठी बातें करें और टाइम का भी मुझे बर्दाश्त कर ले कुछ मिनट में। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के कारकुनों का, जिसने इस पार्टी को मुनज़म किया है, पुश्तूनख्वा मिल्ली आवाम पार्टी को, अपने आवाम को, जिसने इस बहुत मुश्किल हालात में जो हमारी पार्टी की मदद की है, और फिर अपने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का, उसके चेयरमैन का मशकूर हूँ कि मुझे एल समझा सेनेट के लिए, और फिर अपने प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हजरात का बहुत मशकूर हूँ, कुछ ने करोड़ों रुपए के मुकाबले में मुझे वोट दिया, उसका मशकूर हूँ। और जो फर्स्ट टर्म था 3 साल का, मैं चेयरमैन रबानी साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने उससे बहुत कुछ सीखा, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, असूल और एवान फेडरेशंस, उसने भी हमारे साथ 3 साल शफकत की थी, सीखा बहुत उससे। मौजूदा 3 साल के जो चेयरमैन साहब हैं, सादिक संजरानी साहब, उसका बहुत मशकूर हूँ, उसने हमें हमारे हक से ज़्यादा मौका दिया गया था यहाँ हाउस में 3 साल शफकत की। वो ऑफिस में जाते थे तो हर बात जो थे वो बिल्कुल भाइयों जैसा था, दोस्तों जैसा था, वो वही काम के हवाले से, एहतराम के हवाले से। और सब सेनेटर्स का बहुत मशकूर हूँ, 6 साल और फिर इस टर्म 3 साल का, उसने हमें बर्दाश्त भी किया और इज्जत भी दी, और सब सेनेटरों ने जो हैं और सेनेट के स्टाफ का जो है बहुत मशकूर हूँ, उसने हमारी खिदमत की, चाहे सेक्रेटरीट के हो, चाहे सिक्योरिटी के हो, चाहे लॉजिस में हो, यहाँ पे हो, सब ने हमारी एहतराम की और इज्जत दी, मैं उसका बहुत मशकूर हूँ। जनाब अब्बासी साहब, कुदरत ने एक दुनिया पैदा की है, 7 अरब इंसान इसमें रहते हैं, और कुदरत के अजीब निज़ाम है, दुनिया में 1 इंच ज़मीन ऐसे नहीं जो अलावारिस हो, तकसीम ऐसे की हैं, कौमें पैदा किए, कौमों को जो शनाख्त दी है, उसको ज़बानें दी हैं, उसको वतन दिए, वतन में रिसोर्सेज दिए हैं, उसके तहजीब कल्चर दिया गया है दुनिया में जो है, कोई ऐसे इंसान नहीं है दुनिया में 7 अरब में जो किसी कौम का ईसा ना हो। आप अंदाज़ा कर लें, ये कौम इतने अहमियत की अकाई है कुदरत के नज़र में जो है, ये वतन कुदरत के नज़र में इतने अहम अकाई है जो है, और ज़बान कल्चर जो है कुदरत के नज़र में जो है बहुत अहमियत रखते हैं जो इंसानों को जो है इसमें दिए हुए हैं। मगर जब मैं एक 3 हिस्सों में जो है अपने वो करूँगा, एक जो मुल्क के हालात हैं 73 साल से जो हैं, दूसरी ये जो है जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी मौजूदा हालात हैं, और उसके लिए मैं तजावीज़ भी करूँगा। हम कहते हैं माँ, वो एक वो माँ है जो जिसने हमें जन्म दिए हैं सबको जो है, और इंसान जो है वो सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि वतन जो है वो माँ की हैसियत रखती है, माँ की हैसियत रखती है तो लिहाजा हर एक को जो है अपने माँ से जो है मोहब्बत करना चाहिए। वो कर रहे हैं, 7 अरब इंसान कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा स्टेट्स और कौमें कर रहे हैं, हमें भी हक होना चाहिए कि अपने माँ से जो हम मोहब्बत करें। मगर अफसोस की बात है, अंग्रेज़ के दौर से लेकर आज तक हमें हक नहीं दी गई है कि हम अपने माँ से मोहब्बत करें, हम अपनी माँ की खिदमत करें, बल्कि हमें सिखा रहे हैं कि माँ से नफरत कर दूँ, नफरत कर दूँ, ये नहीं होना चाहिए।
ये अंग्रेज का सेवा था, आज भी 73 साल जो हमारे साथ ये हो रहे हैं। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, मसला ये है कि हर इंसान अपने नाम से पुकारा जाता है और हर कौम को जो है अपने नाम से पुकारना चाहिए। और हम जो हैं जो अपने माँ के साथ जो हैं, अपने भाइयों के साथ जो हैं, जो अपने मादरी जबान में बात करते हैं, बदकिस्मती से जो हैं अंग्रेज ने भी ये पाबंदी लगाई थी, अब भी ये पाबंदी है कि नहीं नहीं अपने जबान से मोहब्बत मत रखो। दुनिया में मैं उस पंजाबी को गद्दार कहता हूँ जो पंजाब करोड़ों पंजाबी बच्चों को जो हैं अपनी मादरी जबान से महरूम करते हैं, उसे बड़ा गद्दार नहीं है पंजाबियों का जो है। इसी तरह सिंधियों का, इसी तरह पश्तूनों का, इसी तरह बलूचों का, इसी तरह सरायकियों का, और इस मुल्क में जो है तकरीबन 77% जबानें बोली जाते हैं, चाहे 10 बंदे भी एक जबान बोले उसका एहतराम करना चाहिए। हमें कहते हैं कि अपनी जबान भूल जाओ, नफरत करो इस चीज़ में। यह अंग्रेज ने शुरू किया था, हब तक जारी है, अपने कल्चर से, अपने तमद्दुन से जो है। ठीक है, यूरोप का अपना तमद्दुन है, हम उसका एहतराम करते हैं, अरब के अपने तहजीब तमद्दुन है, हम उसका एहतराम करते हैं, चाहे चीनियों का हो, चाहे दूसरे लोगों का हो। यहाँ पर पश्तून, बलोच, सिंधी, सरायकी, पंजाबी अकवाम भी ये हक रखते हैं कि वो अपने तहजीब तमद्दुन कल्चर से मोहब्बत करें, मगर हमें कह रहे हैं भूल जाओ इसको, जो है भूल जाओ। जो ये रियासत के अदारे जो हैं ये दुश्मनी करें, कुदरत की दुश्मनी करें, आवाम की दुश्मनी करें, 22 करोड़ लोगों की दुश्मनी करें। जनाब अंग्रेज आया था, जालिम था, जाबिर था, साम्राज था। यहाँ पे जो हैं अंग्रेज ने जो है मुल्कों को तकसीम किया, अफगान को तकसीम किया, अफगान वतन को तकसीम किया जालिमों ने जो है, पंजाबियों को तकसीम किया, कश्मीरियों को तकसीम किया, बलोचों को तकसीम किया, इन लोगों ने किया है। और यहाँ पे फिर उस तकसीम को जो है उसको जो है कोई खुदाई हुक्म तो नहीं है कि हम उसको जो है क्यामत तक माने, क्यामत तक माने, खुदाई ये कुरान का वो नहीं है। तो लिहाजा अब हम सार स्टेट जो हैं वो अंग्रेजों के उस पर जो चल रहे हैं, उसके फैसलों पे चल रहे हैं। ठीक है, 40 का करारदाद पेश किया इन लोगों ने जो है। 40 के करारदाद में क्या था, बहुत सिंपल ये था। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, हमें ये कह रहे थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस थे वो मजबूत मरकज चाहते थे। जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो कहते थे कि कमजोर मरकज हो, मजबूत स्टेट्स हो। मगर 40 का करारदाद ये था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें स्टेट्स होंगे, सावरन होंगे, ऑटोनमस होंगे। मगर अफसोस की बात है, इस मुल्क के बनाने वाले जो दावा करते हैं कि हमने बनाया है, अपने ही करारदाद से जो है वो, अपने ही बयानिए से जो है, नैरेटिव से जो है, मुनरिप हो गए। फिर जो है यहाँ पर जनाब अब्बासी साहब, मुल्क बेआईन रहा 9 साल से, इससे भी ज्यादा से। फिर यहाँ पे जो है 1 यूनिट, फिर पेरेटी, फिर बंगाल की, बांग्लादेश में तब्दीली, फिर मार्शल लॉज, 4 मार्शल लॉज आए। ये जो है बर्बरियत, जुल्म, जबर, कोड़े, शहादतें, जेलें, कुफ्र इस्लाम की फतवा, मोहब वतन, गदार के हलकाबात, ये सब लगे किन लोगों पे? उन लोगों पे जिसने अंग्रेज के खिलाफ स्ट्रगल की थी, उन लोगों के खिलाफ जिसने मार्शल लॉ हुकूमतों के खिलाफ स्ट्रगल की। और वो मोहब वतन जिन लोगों ने अंग्रेज की खिदमत की, वो लोग मोहब वतन जिसने
पूजी अमरियत की हिमायत की वो मोहब्बे वतन, ये है पैमाना, ये है इन लोगों का इंसाफ जिसे हमें नहीं मानना चाहिए था जनाब। और इसी के साथ जनाब मसला ये है कि अब हम ये चाहते हैं जनाब कि 73 का आईन के बहुत से नुकात से हमारे इख्तलाफात हैं, हम इसको तब्दील करना चाहते हैं 73 के लिए, मजीद इसको हैं जमहूरी तरीके से जो है मजीद इस पार्लियामेंट को जो है बाख्तियार बनाने के लिए, हम तो ये चाहते हैं कि मजीद इसमें बेहतरी आए 73 के आईन में जो है जो अभी तक नहीं आ सका। और इसी तरह जनाब 73 के आईन के बाद जो 18वीं तरमीम, 73 के 18वीं तरमीम के बाद जनाब जो ये हालात है अभी हमारे मुल्क के हमारे हालात के जो हैं ये सब वैसे ही के वैसे हैं। और हम ये चाहते हैं जनाब अब्बासी साहब कि अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान का मसला बहुत ही सादा है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है अफगानिस्तान के मसले में जो है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है जिसमें मुदाखलत नहीं होना चाहिए, वो जाने उसका काम जाने, उसके निज़ाम हुकूमत जाने, उसके निज़ाम मशियत जाने, उसके खारिजा पॉलिसी जाने। 73 तकरीबन अभी जो है वो 43 साल से मुदाखलत शुरू हुआ है, अब तक जारी है, अब तक जारी है कुफ्र इस्लाम के नाम पे। मैं तो ये कहता हूँ अफगानिस्तान में कुफ्र नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है। इस पर कोई डिबेट करना चाहते हैं हम तैयार हैं, हाँ इस पर डिबेट कर लें, मगर वो जाने, मगर हब भी उसमें मुदाखलत जारी है जो नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। उसको अपना एसेट मत समझो, उसका अपना पांचवा सुबह मत समझो, उस पर जो है बजोर मुदाखलत जो है फैसले मत मुसलत कर दो जो इस्लामाबाद से हो रही है। कश्मीर का मसला बहुत सादा है, कश्मीर एक कौम है, कश्मीरियों ने जदोजहद की है, कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, दरपदर हो चुके हैं, ख्वार हो चुके हैं, वो लोग माइग्रेशन इन लोगों ने की है दुनिया के सारे मुल्कों में यहाँ पे सब कुछ में। मगर मैं मुझे ये पॉलिसी जो है मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम जो है कश्मीर का 95% हिस्सा जो है हिंदुस्तान के हवाले करते हैं, मगर एक खुद मुख्तियार कश्मीर के लिए हम तैयार नहीं हैं, एक मुतहदा कश्मीर के लिए हम तैयार नहीं हैं। जो कश्मीरियों का हो उस पर अपने सरजमीन पे उसका क्या अहमियत हो, आके मलकियत हो, ये हम नहीं छोड़ते हैं, मगर हिंदुस्तान के हवाले करते हैं। हम तो ये कहते हैं, हमारी पार्टी ये कहते हैं कि कश्मीर के एक एक जमीन पे वो मुतहद हो, उसके आके अहमियत आके मुकियत खुद मुख्तियारी कश्मीरियों का होना चाहिए, क्यों नहीं हो? जो हम लोग नहीं छोड़ रहे उसको जी, ठीक है मत छोड़। जीबी का मसला है, लोग हैं कौम वहां पर खास हालत में खास जुग्राफिया में, आप उसको भी जिंदगी के लिए नहीं छोड़ रहे हो, ना इंतखाबात के लिए छोड़ रहे हो, ना माशी तरक्की के लिए छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उन बेचारों को? ठीक है, अब हालत है जनाब चेयरमैन साहब पाक, मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में दो तीन मसाइल हैं, कौमी जबर, तबकाती जबर, और जो आवाम के खिलाफ जो हैं जमहूरियत के खिलाफ जो हैं आमिराना जबर जो 73 साल से जारी हैं, इसका जो है हल निकालना चाहिए, बाद में मैं तजावीज दूंगा इस पर जो है ये। और इससे हालत जनाब ये है कि दहशतगर्दी, दहशतगर्दी का जिम्मेवार जो था वो जो फर्स्ट फेज में था, फर्स्ट 9/11 से पहले जो था, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, ये अमेरिकन्स थे, ये हारब थे,
ये लोग थे और हमारे मुल्क के जो ज़ियाउल हक़ लगते हैं, ये जिम्मेवार हैं, इन लोगों ने ये बुनियाद रखा कलाशिनकोव कल्चर का, ये रोहन कल्चर का, ये दहशतगर्दी का, ये मुदाखलत का, ये सब कुछ इन लोगों ने रखा। फिर 9/11 के बाद जो है फिर जो है वो मुशर्रफ का जो है जिम्मेवारी, ये जिम्मेवार था जिसके नतीजे में 70,000 पश्तून जो हैं वो शहीद हो गए। 2,00,000 से ज्यादा, मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बता रहा हूं, घर मिसमार कर देंगे, F-16 टैंक्स आर्टिलरी ये चलाई गई उनके कबाइल पे जो है, करों पे जो है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 जंग हो चुके हैं जिसमें जो है दोनों तरफ से रिकॉर्ड उठा लें 20,000 लोग भी जो है दोनों तरफ से कत्ल नहीं हुए हैं, जिसमें जो है दोनों तरफ से 10,000 घर भी मिसमार नहीं हुए हैं। रियासत के अंदर ही ये जबर, 40,00,000 IDPs जो मालाखंड डिवीजन के 25,00,000 थे और फिर वजीरिस्तान से जो 15,00,000 थे, ये जुल्म जबर अब तक जो है वहां पर जो है मावरा इनकतर हो रहे हैं, आज तक जो है बंद नहीं करें। जनाब चेयरमैन साहब, मिसिंग पर्सन पश्तून जो है 6,000 से 7,000 मिसिंग पर्सन, बलोच 5,000 तक अब मिसिंग पर्सन, सिंध से जो है सैकड़ों की तादाद में मिसिंग पर्सन। क्यों? जिसने भी जुर्म किया है उस पर केस बना लूं, बेहतरीन वकील रख दूं, अदालत में उसको सजा दिलवा दूं अगर वो मुजरिम है। ये कोई तरीका? मशक्शुदा लाशें, मिसिंग पर्सन हब भी जारी हैं, आइंदा भी ये पॉलिसी होगा, जो गलत जो मावराए आइन काम है जनाब चेयरमैन साहब। और इसी के साथ मैं तो ये समझ रहा था पहले, तकरीबन जब मैं यहाँ पर सेनेट नहीं आया था या वो नहीं था, तो इस्लामाबाद कितना खूबसूरत नाम है, तो यहाँ तो सब कुछ होना चाहिए, फेडरेटिंग यूनिट बराबरी, कौमों की बराबरी, इंसानों की बराबरी, आपको सब कुछ, जमहूरियत, पार्लियामेंट की बादत इसने। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं अफसोस करता हूँ इस बात में, इस्लामाबाद नहीं है, इस्तेमार आबाद है। यहाँ पर इस्तेमारी कोते हैं जो सब मुल्क को कंट्रोल करें, कौमों को कंट्रोल करें, 22 करोड़ आवाम को कंट्रोल करें, पार्लियामेंट को कंट्रोल करें, अदलिया को कंट्रोल करें, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करें, यहाँ पे जो मीडिया को कंट्रोल करें, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करें, जो नहीं होना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। और इसी के साथ एहतसाब की बातें हो रहे हैं, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, सबसे पहले पॉलिटिशियंस का एहतसाब होना चाहिए, सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, सियासी पार्टियों के अकाबरीन का एहतसाब होना चाहिए, हाँ, और पहुंच का एहतसाब होना चाहिए, अदलिया का एहतसाब होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब होना चाहिए, बड़े बड़े जागीरदारों सनतकारों का एहतसाब होना चाहिए, बैंकर्स का एहतसाब होना चाहिए, ट्रेडर्स का एहतसाब होना चाहिए, सबको होना चाहिए, मुश्तरका मैकेनिज्म के तहत जो है हर जगह पे सियासतदान गुनाहगार, हर जगह पे पॉलिटिशियन गुनाहगार, हर जगह पे हुकूमत करने वाले गुनाहगार वगैरह जो हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए, मगर इसके लिए कोई तैयार नहीं है। बस सिर्फ जो है आप मुखालिफ हो तो लिहाजा आप लाए के सजा हूँ, वाजिब अलकतल हूँ, ये भी तो एक तरीक़ेकार इन लोगों की जो है। और इसी के साथ जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये गदारी का मसला जो है ख़त्म होना चाहिए। मोहतरमा फातिमा जना जो थे वो गदार, मैं बोतान कौन था? अयूब खान था। अभी आप जिसने मुल्क का कत्ल किया था, जिसने लोगों के एहसास का कत्ल किया था, जिसने जो है अमरीत के जो है जिसने वो हल्फ उठाया था, उससे गदारी की थी। ज़ियाउल्लाह को वफादार था, कैसे वफादार हो सकते हैं? अगर अयूब खान को सजा मिलती याया खान ये जुरत ना करता, अगर याया खान को ये जुरत सजा होती तो फिर ज़ियाउल्लाह ये जुरत ना करता, अगर ज़ियाउल्लाह को सजा होती फिर ये मुशर्रफ जुरत ना करता, अगर मुशर्रफ को आज सजा दी जाए तो आइंदा कोई भी ये जुरत नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। उसको इनाम दे रहे हैं, जागीरें दे रहे हैं, अरबों करबों रुपए का नाम दे रहे हैं, उसका नाम आप नहीं ले सकते, आप वाजिब कत्ल हो, आप वाजिब सजा हो। जब एक आमरियत एक डिक्टेटर का आप नाम नहीं ले सकते हैं तो ये कैसी हालत होगी? ना उसको जहां अदालत में चैलेंज कर सकते हो, ना पार्लियामेंट में कुछ कर सकते हो, ये हालत है जनाब
तो हम ये चाहते हैं, गदार वो है जिसने परंगी का साथ दिया था, गदार वो है जिसने मार्शल ला लाया था, गदार वो है जिसने मार्शल आई हुकूमतों का साथ दिया था। मोहब्बे वतन वो है, मोहब्बे वतन वो है जो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती है, जो आईन कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जो आजाद अदलिया चाहते हैं, जो आजाद मीडिया चाहते हैं, जो आजाद इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, जो अवाम 22 करोड़ अवाम के हक राय दे के सामने सर खम तस्लीम करते हैं, वो वफादार हैं। हमें उन हमें बकौल इनके गदारों के हमारे वफादारों का मुझ पर फख्र करते हैं, चाहे बादशाह खान हो, चाहे गौसबख्श बिजनजो हो, चाहे खान शीर अब्दुलसमद खान अचगजे हो, चाहे जुल्फकार अली भट्टो शहीद हो, चाहे बेनज़ीर साहिबा हो, चाहे असल खान बिजनजो साहब थे, चाहे डॉक्टर मालिक साहब थे, चाहे अख्तर मेंगल साहब थे, चाहे आसमंदियार गुली खान साहब थे, चाहे महमूद खान अचगजे साहब हैं, चाहे जो भी यहाँ पे इस मुल्क में जो हैं वो हैं, जो हाँ बाबे मियाँ साहब हैं जो इस पर जो हैं वो माना आइन के बालादस्ती चाहते हैं, हम तो इन लोगों पे फख्र करना चाहें। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा जो कल है पीडीएम में जो इमरान खान साहब थे उस दौर पे जो है मैं वो फख्र करता हूँ, आज के दौर में जो इमरान खान है मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। एक असूल होना चाहिए, कल हमारे लीडर इस तरह हूँ, पुश्तूनख्वा मेरी हमें पार्टी इस तरह हो, चाहे कोई दूसरा इस तरह हो, उस पर हमें फख्र नहीं करना चाहें। और यहाँ पे जनाब चेयरमैन साहब, हम सादा इस मुल्क का एक मसला है, एक बहुत सादा है, सादा इस वजह से जो है कि हमारे मुल्क में सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत करते हैं, इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में जो है, माशी पॉलिसी में जो है मुदाखलत करते हैं, नहीं करना चाहिए, मगर हम सब उसके सामने बेबस हैं, मगर बेबस भी नहीं। पश्तो में एक कहावत है, वे दौलत जोर दो खुदा जोर, आवाम की ताकत खुदा की ताकत होती है। हम इस आवाम की खुदा की ताकत पे भरोसा करते हैं कि एक दिन आएगा इस मुल्क में जो है कि किसी को भी जो है मुदाखलत करने का कोई भी मौका ना हमारे आवाम देंगे, ना हमारी पार्लियामेंट देंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी देंगे, ना उसको जो है अपने ही हदूद में रहकर जो है उसको वहाँ पे काम करना चाहिए। ये हमारा हक है, ये आईन कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब, बाबासी साहब। तो इसमें जो है पार्टियों को बनाना, पार्टियों को तोड़ना, दुनिया में नहीं है ये रिवाज, जहाँ भी जाए जिसने भी ये किया है, बर्मा सोची से वो कर लो, सोची ने जो वहां पे बर्मा में जो हालत रखी, जिसने कंप्रोमाइज किया अपने इक्तदार के लिए, हाई इनमें जो है पूजियों को जो है बिल्कुल बावर्दे जो है उसको हिस्सा दिया गया 30%। सोची ने ये क्या कि वहां पर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे थे वो खामोश थे, जो पूजी कर रहे थे बर्मा के, उसको नोबल इनाम मिला था, उस दुनिया ने जो है उसे वापस लिया, वो हीरो थे सारी दुनिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रगल की अमरियत के खिलाफ, नोबन इलाम ने दुनिया ने उसे लिया, और सोची का अंजाम आपने देख लिया। तो इस कंप्रोमाइज आवाम उसके साथ थे, वो बदबख्त हैं अपने इकतदार के लिए उसने कंप्रोमाइज की। यहां पे भी किसी भी पार्टी को जो है कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब हमारे पीडीएम है, उसके बाई आनिया है, बेहतरीन है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने इत्यादियों से ये कहना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून से कहना चाहता हूं, दूसरे साथियों से कहना चाहता हूं, वो हमें कहें, हमारी पार्टी को ये कहें कि बाबा हम जो कुर्सी का खेल है हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, कुर्सी का खेल जो है ये नहीं होना चाहिए, असूलों का जो है उस पर हमें कायम रहना चाहिए। हम इसलिए नहीं कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म है, लिहाजा हम इसको जो है वज़ीर आज़म ही से जो है कुर्सी से जो उसको हटाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि फौज इंटेलिजेंस अदारे पीडीएम का इलामिया है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करे, ठीक हो जाए।
नया इलेक्शन हो, सही हो। हम इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। कोई इमरान खान साहब को हम लोगों ने कुर्सी से उतारा, मैं आज मिसाल दूंगा, आप लोग नाराज ना हो, फिर हम नून लीग को जो है उस कुर्सी पे बिठाएंगे। फिर दो साल बाद जो है हम नून लीग को वहां से कुर्सी से उतारेंगे, फिर पीपल्स पार्टी को लाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी को जो है तीन साल बाद उतारेंगे, फिर दोबारा जो है इमरान खान साहब को लाएंगे, पीटीआई को लाएंगे। नो, ये आवाम का काम है। आवाम जाने, उसका वोट जाने, उसका पर्ची। आवाम को हम लोगों ने रोजगार नहीं दिया है, अमन नहीं दिया है स्टेट ने, जाए उसके बच्चों को तालीम नहीं दिया है, पीने का पानी नहीं है, आम खुराक नहीं, बेचारे घर नहीं, उसके कपड़े नहीं है। एक पर्ची था वो भी उन लोगों ने छीन लिया उसने, कि नहीं ये आपके मर्जी के मुताबिक नहीं हो गया, हम उसको वो करेंगे। आवाम जाने, उसका इंतखाब जाने जनाब चेयरमैन साहब। और इसी के साथ मैं ये कहता हूं, जो हब ये लोग क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, मनसूबाबंदी ये के प्रेजिडेंशियल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सदारती तर्ज हुकूमत नहीं मानेंगे हम। जो भी कुछ करोगे इस पर बगावत होगी, कौमों की तरफ से जाए, फेडरेटिंग यूनिट की तरफ से जाए, ये मजाक ना समझे। 18वीं तरमीम पे किसी ने भी इसके खिलाफ कोई अमल की, इस पे ऐसा स्ट्रगल होगा कि आप लोग ये लोग हैरान रह जाएंगे। ना एनएफसी फार्मूले पे जो है ये नहीं होगा, ये जो हुआ आगे चलना चाहिए, आगे चलो, पीछे मत देखो जो ये लोग कर रहे हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट की बेतुकेरी मौजूदा सूरत हाल में, कंट्रोल पार्लियामेंट, कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल जुडिशरी, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल इलेक्शन कमीशन, हैरान रह जाओगे कि लोग क्या करें। इंसानी हकूक की पामाली, अकलियतों के हकूक की पामाली यहाँ पे हो रहे हैं, गरीबों के हकूक की पामाली जो है यहाँ पे हो रहे हैं जनाब। महंगाई, बेरोजगारी, गालियां, ये सब कुछ जो है अभी जारी है, सब कुछ जारी है जो नहीं होना चाहिए। इस स्टेट पे सबका हक है, हर कौम का हक है, हर बंदे का हक है यहां पे जो है, जो ये अभी नहीं तस्लीम कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब। हब ये मैं आप जो सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट का इलेक्शन था जनाब, जनाब आज बस बर्दाश्त कर ले, फिर आज से ही मेरे मुंह जो लोग नहीं देखेंगे। सेनेट का इलेक्शन जो है, सेनेट का इलेक्शन जो है, सेनेट का Never mind.
अगर साहब आपसे ये सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी आप बात कर ले, लेकिन ताकि बाकी दोस्तों भी कर रहे हैं अभी सेनेट का इलेक्शन जो था जो पिछले 3 साल पहले हुआ था, एक ब्रिगेडियर खालिद ने जो वहां पर कोयटा में क्यालत की पैसे के थे, एक सेनेटर ने 1 करोड़ रुपए दिए थे पिछले उस महीने, नंबर एक। इससे मैं बीच में पिछले जाऊंगा, गुलजार था खैबर पुरसुखा का था, एक घर से 3 बंदे थे उसके, प्रोविंशियल असेंबली में 3 बंदे भी नहीं थे, बाप 2 बेटे हैं। आज से 20-30 साल पहले ये हालत थी। मैं तो सारे अखबार की वो बात कर रहा हूँ। हम मौजूदा जो हैं, जो ठेकेदार कादर जो था आज़ाद था, टिकट दिया गया फिर दूसरी पार्टी की टिकट दिया, उसका गवाह जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं 70 करोड़ रुपए का। हालांकि वो तो आपके हाउस के, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, छोड़े बाकी जो बाकी आपने पिछली बात की, ठीक है मैं क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं, मैं ये इसका नोटिस होना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ जनाब, मैं आ रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, तजावीज भी दे रहा हूँ जनाब। मैं उन जजिस का जो है सलाम करता हूँ, वकार शेर साहब का, शौकत सिद्दीकी का, फैज काजी का, जिसने आईन के लिए जो है अपनी जिंदगियों को जो दाव पे लगाया। मैं वो नहीं बोल सकता हूँ जो 8 अगस्त को जो है हमारे वकला ने शहादती दी कोयटा में जो है। मैं आरिफ शहीद को कैसे भूल सकता हूँ वजीर को जी, मैं अरमान लोडी को कैसे भूल सकता हूँ, मैं आयात बलोच को कैसे भूल सकता हूँ। किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी भी सियासी कारकुन को जो है नहीं बोलना चाहिए जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है। और इसी के साथ मैं मीडिया को जो है, मीडिया स्टार जो हैं जिन लोगों ने इस अमरीत के खिलाफ उसको निकाले गए, शहीद कर दिए गए, अगवा कर लिए गए, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। इन लोगों ने कुर्बानी दी, उसका एहतराम करना चाहिए। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, अब मैं तजावीज दूंगा आपको जो है, अगर अगर ये लोग जो हैं, बस तजावीज 2 मिनट। हाँ, का इक्वल राइट है इस हाउस में बात करने का? नहीं सर, यहाँ पर मेरा बड़ा एहतराम है इनके लिए, और हमने बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। अभी मेरी गुजारिश है, एक मिनट में देंगे ताकि फिर उनको दे कि यहाँ दोनों तरफ बैठे हुए, दोनों तरफ बैठे हुए तमाम मेम्बरान इक्वल राइट तो आप उसको इक्वल रखें, उनको भी टाइम। मैंने जमाल दिनी साहब को भी नहीं रोका, मैंने उनको भी पूरी बात की। इस मुल्क में जो है आके की फेडरेशन का कायम होना चाहिए कौमों की बराबरी के बुनियाद पे। पश्तून बलोच यहाँ इस मुल्क में गुलाम है जो बराबर होना चाहिए। सरायकियों का अपना फेडरेटिंग यूनिट होना चाहिए, सरायकी के नाम से जो है, और हर फेडरेटिंग यूनिट के पश्तून बलोच सिंधी सरायकी पंजाबी अकवाम का जो भी इसके सूबे फेडरेटिंग यूनिट हैं, एक एक इंच आके किस सारे जमीन जो उस यूनिट का हिस्सा होना चाहिए, उसका अपना तशखुस होना चाहिए। जैसे पश्तून 4 हिस्सों में तकसीम है इस मुल्क में, सेनेट के इख्तियार होना चाहिए कौमी असम्बली के बराबर जो है, और सेनेट का इलेक्शन जो है डायरेक्ट आवाम से होना चाहिए जैसे कौमी असम्बली के होते हैं, तो रिश्वत वगैरह वगैरह ये सारे खत्म जाएंगे। और इसी के साथ जो है वसाइल पे जो है कौमी वादातों का फेडरेटिंग यूनिट का कम्प्लीटली इख्तियार होना चाहिए। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, जो कौमी जबानें हैं पश्तो बलोची सिंधी सराकी, इसको सरकारी दफ्तरी मीडिया और पार्लियामेंट की जबानें होना चाहिए। और इसी के साथ लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, सब पार्टियों को मुतहद होकर जो है ये जागीरदाराना तर्ज खत्म होना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन बहाल करना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब जो है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सुबों का सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मरकज में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए जो आईनी मसाइल जो है वो बात कर लें, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और आखिर में मैं एक साथ आखिर में एक जाती बात करूं, 6 साल मैंने नहीं किए। हाँ। जनाब हमें ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है डेमोक्रेसी से जो विड्रा हो जाए, कौमी हकूक से विड्रा हो जाए, और आप जो है अपने नजरियात से विड्रा हो जाए, आप जो है जो गैर जमहूरी को होते हैं वो जिस पे आप तंकीद करते हैं इस पे खामोशी इख्तियार कर लें, आइन की बात छोड़ दे, पार्लियामेंट के बालादस्ती की बात छोड़ दे, जो हम करते हैं उस सब पे जो आप आंखें बंद कर लें। नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ।
चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी जान इतनी अजीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के बारे में अजीज है, मेरी कौम मुझे अजीज है, मेरी आवाम मुझे अजीज है, मुझे सियासत मुझे अजीज, तो मुझे इशारे मिल रहे हैं, मुझे पैगाम मिल रहे हैं, मैं इस फ्लोर पे जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मुझे कुछ हुआ? कोई बात नहीं। मेरे बच्चों को कुछ हुआ? मेरे खानदान को कुछ हुआ? कोई परवाह नहीं, मैं रिकॉर्ड में ना, मगर इसके जिम्मेवार जो है दो अहम इंटेलिजेंस अदारे गुम खाते में ना हो बस सकें, और ना मुझे अपनी जिंदगी का फिक्र है, ना अपने बच्चों का फिक्र है, ना अपने जात का फिक्र है, मगर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार दो इंटेलिजेंस अदारे होंगे। आप लोग गवाह रहे, आपकी बहुत मेहरबानी, सारे अपोजिशन के साथियों की बहुत मेहरबानी, आपकी मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे 6 साल बर्दाश्त किया और आप बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच जनाब काकर साहब, ये सख्त बातें मैं देता हूँ जी, आप तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब एक मिनट जी, डॉक्टर साहब प्लीज आप तशरीफ रखें, मैं आपको देता हूँ। आप एक जानदार आवाज रही हैं, आपके कोई भी ख्यालात रहें, आपने अपने बलूचिस्तान के लोगों के हक की बात की है, और यहाँ हर सेनेटर का हक है कि वो अपने दिल की बात करें। मैं आपका मशकूर हूँ। अब मैं सेनेटर खुशबख्श जाज साहब से